उसके बाद लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे ये कहना छोड़ दीजिए। तीसरी बात, मेरा मूड नहीं है। कुछ बच्चे को ना जब पढ़ने के लिए बोलिए कि बाबू ने जाकर के पढ़ लो, यही परीक्षा में आएगा, तो क्या बोलेंगे, मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे तेरी मूड की ऐसी के तैसी, तुम चल जाओगे मूड के चक्कर में, समझ गए ना, ध्यान रखना भाई मूड के चक्कर में चल जाओगे। इसलिए ना मूड को एकदम शांत रखिए, मूड को अपने बस में रखिए, आप मूड के बस में मत रहिए, समझ गए, मूड को अपने बस में रखिए। आप जिस दिन मूड के बस में चले गए ना, तो मूड खराब हो जाएगा आपका, समझ गए। तो इसलिए मूड खराब है, मेरा मूड नहीं है ये कहना बंद कर दीजिए। चौथा, मेरा किस्मत खराब है। कुछ बच्चे ना जब मेहनत नहीं करेंगे, जब सफल नहीं हो पाएंगे, तब कहते हैं कि मेरा किस्मत खराब है। अरे भाई किस्मत के दोष देने वाले, किस्मत सबका बढ़िया होता है, समझ गया ना, कोई किस्मत भगवान के पास से लेकर के नहीं आता है, कर्म पर किस्मत भी निर्भर करता है। तो जैसा कर्म करोगे किस्मत उसी रफ्तार में चलेगा, समझ गया ना, जैसा कर्म करोगे किस्मत उसी रफ्तार में चलेगा, समझ गए। अब किसी का हैंडराइटिंग खराब रहता है तो कहता है कि मेरा हैंडराइटिंग सुधर ही नहीं सकता। अरे भाई सुधरने का जब समय था तो तुम तो लिखे नहीं, जिस समय लोग बोल रहे थे कि बार बार लिखो, खूब लिखो, ढेर सारा लिखो, राइटिंग लिखो, तो नहीं लिख रहे थे, और जो लिख रहे थे उनका हैंडराइटिंग सुधर गया, समझ गए ना। तो ये बात प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। और पांचवा, मेरे पास समय नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या कहें भाई, इतना लोड हो जाता है कि मेरे पास समय ही नहीं बचता है। सबके पास 24 घंटा ही समय है, जो टॉपर बन गया वो भी, जो IAS IPS बन गया वो भी, जो प्रधानमंत्री बन गया वो भी, सबके पास वही 24 घंटा का समय था, और उसी 24 घंटा में सब कुछ ना कुछ बन गया, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो ये समय का बहाना बनाना बंद करिए, ये मूड का बहाना बनाना बंद करिए, ये किस्मत का बहाना बनाना बंद करिए, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करिए, और मुझसे नहीं होगा ये कहना बंद करिए। और जिस दिन ये कह लिए, जिस दिन ये सोच लिए, जिस दिन ये ठान लिए, तो उस दिन आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा, और आप ही वो सफल इंसान होंगे जिसके हमें चाहत है, आपको चाहत है, आपके माता पिता को चाहत है, समाज को चाहत है, देश को चाहत है, समझ गए ना। तो ये बात प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से कान खोल करके सुन लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए।